राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रिलायंस जियो मार्ट में डिलीवरी सेंटर तुलसी टावर में बड़ी चोरी का खुलासा राजनांदगांव की कोतवाली पुलिस ने किया है। कंपनी के सुपरवाइजर रोनित कुमार देवांगन ने अपने साथियों मनी सिंह उर्फ मनी सिंह कुरेटी, मनी सिंह व परमेश्वर सलाम के साथ घटना को अंजाम दिया। मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की नगद रकम 3,81,930 रुपए, एक नग DVR जो चोरी के पैसे से खरीदा गया तीन मोबाइल को किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की पायलटिंग गाड़ी धमतेरी में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर में चढ़कर सड़क के दूसरी ओर चली गई। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही बाइक स्कॉर्पियो से टकराने से बचने के फेर में गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने 9 जुआरी को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले का पर्सनल असिस्टेंट शैलेन ठाकुर भी शामिल था। ये अक्सर अपने साथियों के साथ दांव लगाने बैठा करता था। बलरामपुर जिले के पुलिस चौक के डबरा अंतर्गत ग्राम लौटी में जादू टोने के शक पर सुखनी कोड़ाकू नामक महिला की हत्या कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या की साजिश रचने तथा हत्या करने के आरोप पर दो आरोपी रामसाय उर्फ पटेल कोड़ाकू व राम कुमार उर्फ कुंवर को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के छत का प्लास्टर टूटकर गिर जाने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि अस्पताल के अंदर मरीज और उनके परिजन वहां पर नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुरानी बिल्डिंग होने के कारण धीरे धीरे भवन का लेंटर टूटकर गिरने की आशंका है। कोरबा जिले की रामपुर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चलती हुई स्वराज माजदा में जुआ खेल रहे 16 जुआरियों को पकड़कर के पास से 13,560 रुपए और 52 पद की ताश व स्वराज माजदा को जब्त किया गया है। कोरबा जिले के कुसमुंडला थाना क्षेत्र में SECL की मेगा परियोजना कुसमुंडला खदान में त्रिपुरा राइफल्स के जवानों और डीजल चोरों के बीच झड़प हो गई। जवानों ने जब डीजल चोरों को रोकना चाहा तो आरोपियों ने हमला कर दिया और जमकर पथराव भी किया। इधर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चोरों की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। रायगढ़ शहर के युवा व्यवसायी मयंक मित्तल की आत्महत्या के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टा खाई वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों करण, धर्मेंद्र और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। रायगढ़ जिले के ललुंगा थाना क्षेत्र में पराई औरत से संबंध रखने के खिलाफ आवाज उठाने वाली गर्भवती पत्नी का कत्ल उसके पति ने कर दिया। इसके बाद उसने इसे हादसे का रख देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति किशोर पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। जुआ पकड़ने के लिए कवर्धा जिले के ग्राम कुसुम घटा गई बोटला पुलिस की टीम पर जुआरियों ने हमला बोल दिया। इसमें प्रधान आरक्षक रामेंद्र सिंह के सिर पर गहरी चोटें आई हैं। एक आरक्षक राजेश बंजारे के सीने में चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसला कर उससे शादी करने का झांसा देकर भगा कर ले जाने व उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी कोकुल कुमार तारम को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। उतई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई लकड़ी व्यापारी ईश्वर साहू की बेरहमी से हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके मौसेरे भाई योगेश ने ही कर दी। दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, इसके चलते यह वारदात हुई। पहले तो आरोपी ने व्यापारी को शराब पिलाई,
फिर झगड़ा करने के बाद उसका सिर कुचल दिया। ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर के गोल बाजार में शुक्रवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि शहर सहित पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बना हुआ है, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के धरने पर पहुंचकर उनका समर्थन भी किया। दिवाली पर्व मनाने के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार को गंगरेल मंडई का आयोजन माँ अंगारमोती मंदिर परिसर धूमधनी में हुआ। मंडई में 52 गाँव के देवी देवता शामिल हुए। पूजा अर्चना कर निसंतान महिलाओं ने संतान प्राप्ति की कामना कर जल चढ़ाया। जांजगीर चांपा क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से कोयला चोरी करने वाले पनोरापाला गुड़गहन के ढाबा संचालक संत कुमार सारथी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है। इसकी कीमत 2,40,000 रुपए बताई गई है।